हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम सभी को। और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की ट्रेड? चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर कि हमको कल के दिन कहाँ पर ट्रेड करनी है, यानी कि मंडे को। तो आज वीक का लास्ट डे भी था, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होना भी था क्योंकि दो दिन से अच्छा मोमेंटम मार्केट कर चुका है। तो इतने एक अच्छे एक अप मूव के बाद में मार्केट का कंसोलिडेट होना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट आज पॉज लिया है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं मार्केट क्या मोमेंटम करता है। तो आज की ट्रेडिंग के लिए अगर हम बात करें तो आज पूरा दिन मार्केट जो है रेजिस्टेंस से गिरा, उसके बाद में ऊपर रेजिस्टेंस को हिट नहीं कर पाया, मार्केट यहीं कहीं पर साइड भी पूरा बंद हो गया। लास्ट मोमेंट पर किसने एक ब्रेक डाउन कैंडल बनाई है, बट प्रॉपर ब्रेक डाउन ये जो है टाइम के लास्ट में बिल्कुल आ पाया, तो इसलिए कोई भी ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं किया गया। चलिए अभी निफ्टी में देख लिया हम लोगों ने कैसा यहाँ पे क्या सेटअप बनना है। तो देखिए ये है आपका एक सपोर्ट एरिया, ये वाला जो है 22,200 का लेवल एक सपोर्टिव लाइन है। अगर मार्केट इसके नीचे ही अगर सस्टेन करता है, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर यहीं कहीं पर सस्टेन करने के बाद में अगर एक रेंज बनाने के बाद में अगर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा 22,100 तक। बट ये 22,100 का जो लेवल रहेगा ये एक बाइंग एरिया रहेगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो वेट करना अगर आपको, अगर बायर्स हो, अगर आप अगर यहाँ से अगर आप बाइंग करना चाहते प्रेफर करते हो तो 22,100 तक आने का इसका वेट कीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलता है, ऊपर खुलता है थोड़ा बहुत, और ऊपर खुलने के बाद में यहाँ फ्लैट खुलने के बाद में कोई एक रेंज अगर क्रिएट कर देता है यहाँ से 30 से 40 पॉइंट तक की, ऐसी कोई रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा। ठीक है, ये दोनों केस हैं जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बन सकते हैं। अभी देखिए मार्केट अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है यहाँ कहीं पर, तो अगेन मार्केट इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो अगेन मार्केट इस लेवल पर आने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप करके अगर होल्ड कर लेता है यहाँ पर, अगर 10-20 मिनट अगर यहाँ पर अगर सस्टेन हो जाता है मार्केट, तो फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा। वरना क्या होगा, पहली कैंडल यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना देगा और नेगेटिव कैंडल बनाते लोग ब्रेक होते यहाँ तक इजीली दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि गैप अप में अभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई पर अभी मार्केट चल रहा है। चलिए अगर गैप डाउन की सीनरी में अगर मान लीजिए ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर से वहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन नहीं होता है तो मार्केट यहीं कहीं पर कंसोलिडेट होगा, एक आध दिन और यहाँ पर कंसोलिडेशन में जा सकता है मंडे ट्यूजडे तक, उसके बाद मार्केट फिर मोमेंटम करना शुरू कर देगा। तो जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं या ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना चाहते हैं, वो भी एक दो दिन के लिए यहाँ पर अभी होल्ड कर लें क्योंकि मार्केट भी अभी एक दो दिन में होल्ड करने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए देखिए, अभी देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या सिनेरियो बन सकता है उस पर थोड़ा सा बात डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ओपन हुआ है, अगर मार्केट मॉर्निंग के टाइम में अगर गिरावट अगर दिखाता है तो कहीं पर भी अगर सपोर्ट बनता है तो हम लोग सपोर्ट से बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। यहाँ से अगर कहीं भी सपोर्ट बनता है तो सपोर्ट से हम बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट पहला ही स्विंग अगर मान लो बाइंग स्विंग बना देता है, बड़ा स्विंग नीचे आएंगे, नीचे अगर सपोर्ट फिर से अगर क्रिएट करता है, डे लो को अगर टेस्ट नहीं करता है, अगर कोई बीच में से एक स्विंग लेके अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ कट सी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं स्विंग लो का ऐसे लगा के। ठीक है, तो ये रहेंगे सिनेरियो मंडे के दिन मार्केट जो है कहाँ मोमेंटम करेगा उसके लिए। अगर मान लीजिए पहला स्विंग अगर सेलिंग स्विंग बना देता है तो जहाँ पर भी सपोर्ट मिलता है आपको आधे घंटे एक घंटे बाद जब भी मार्केट यहाँ पर रेस्ट कर लेता है, अपना मार्केट सेटल हो जाता है, तब मार्केट में आप आराम से यहाँ पे सी साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए चलिए बैंक निफ्टी पर बात करते हैं। देखिए ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में आज थोड़ा सा ट्रेडर्स थोड़े से यहाँ पर परेशान हुए, एक स्टॉप लॉस हमारा भी यहाँ पर हिट हुआ। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, सुबह मंडे नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन बनाया यहाँ पर, कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट गया। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर ट्रेड इनिशिएट किया था और नेक्स्ट कैंडल में ही उसका स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पर चला गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे टारगेट तो इसका ये था, एक्चुअल मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, बट मार्केट क्या किया, बीच में से ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। कोई बात नहीं, चलिए स्टॉप लॉस प्रॉफिट, ये तो मार्केट का सेटअप है, आपका जैसा भी काम करता हो स्टॉप लॉस प्रॉफिट तो होते ही है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कोशिश करी, ब्रेक डाउन नहीं दे पाया, मार्केट यहाँ पर एक रेंज में फंसा। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया, यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेड बनाई और 20-30 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद में लास्ट फिर यहाँ पर मार्केट घूमता रहा, लास्ट में फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, बस ये थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक हुआ और यहाँ पर थोड़ा सा लॉस बुक हुआ।
चलिए अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो निफ्टी से थोड़ा सा डिफरेंस है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, पर अभी बैंक निफ्टी जो अभी 4700 के लेवल पर अटका पड़ा है। देखिए बैंक निफ्टी का सिंपल सा सिनेरियो रहेगा, बाइंग एरिया जो इसका आ रहा है वो आ रहा है 46500 के आसपास, ये वाला एरिया। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है, मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है नीचे आने की कोशिश करता है, तो पहला स्विंग जहाँ पर ही बनाएगा, स्विंग से हम बाइंग साइड का प्रीफर करेंगे। मार्केट इसका अगर ब्रेक डाउन करके दिखाता है तो पी साइड में नहीं जाएंगे, यहाँ से बाइंग एरिया के लिए प्रीफर करेंगे, यहाँ से बाइंग करना प्रीफर करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ कहीं पर गैप अप खुलता है, तो थोड़ा सा रेंज का वेट करना पड़ेगा, और वेट करना पड़ेगा 47300 के लेवल का। 47300 का जो लेवल है इसका वेट करना पड़ेगा। अगर इसको अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है मार्केट, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, 300 को अगर ब्रेक करता है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर 200 पॉइंट की रेंज आपको ईजीली मिल जाएगी। 200 से लेकर 250 पॉइंट ईजीली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। नीचे जाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जाने के लिए 46500 का लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो 40250 ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको 200 से 250 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे। अब ये 500 से लेके और 800 743 47300 तक की ये जो रेंज है ना, 800 पॉइंट की रेंज, इसमें मार्केट स्विंग हो रहा है। स्विंग मतलब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन वहाँ तक जा रहा है, अगेन नीचे आ रहा है, इस टाइप से एक स्विंग मोमेंटम हो रहा है। तो अगर आप इस स्विंग मोमेंटम करना चाहते हो तो बाइंग के लिए 46500 का लेवल प्रेफर रहेगा, और सेलिंग के लिए 47250 का लेवल प्रेफर रहेगा। तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पे स्विंग हो रहा है। दो एक दिन मार्केट का यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि मोमेंटम हो चुका है दो दिन निफ्टी में, तो अभी एक दो दिन मार्केट यहाँ पर साइड में रहेगा। तो इस स्विंग मोमेंटम को आप भी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अभी चलिए बात कर लेते हैं, ये है 46700 का लेवल। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 500 तक आएगा, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है 46700 को, तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपको यहाँ तक का मिल जाएगा। 100 पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, 100 से 150 पॉइंट, तो ये आप यहाँ पे एक स्कैल्पिंग मार सकते हो। बाकी अगर ऊपर जाता है मार्केट, तो जैसे ही इस वाले 100 को ब्रेक करता है, तो 100 to 150 पॉइंट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो रहेगा 47100 से लेके 46700 तक का लेवल, ये जो रहेगा ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसमें ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर मार्क कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चार्ट्स को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप मेरे साथ जुड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मेरा नंबर आ रहा है, डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उसको आप वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।